से ढूंढ देता। वो आज कपिल बाबा मूड में आसुर लगा में जटलैग में उनकी आवाज सुन के फिर वापस वो नॉस्टैल्जिया होता है ना फिल्म वाला। हाँ। मुझे वो अब सब गाने याद आ रहे। मैं सोनाली जी आपको एक बात बताऊं, आप कहीं पे भी आती है ना, मतलब कोई एड कोई मतलब दो मिनट के लिए भी कहीं आप दिख जाएं, मैं जरूर देखता हूं आपको। मैं उस दिन देख रहा था आप क्राइम पेट्रोल में भी आ रही थी, आपको था आशुतोष राणा साहब भी वहां पे आते हैं, वो तो चलो इतनी बार विलन बने ना तो उनके मुंह से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये कोई कत्ल की खबर सुना भी सकते हैं। आप सडनली क्राइम पेट्रोल में कैसे, मजा आया मतलब देख के कि हमारे आप चैनल पे आई, अच्छा लगा देख के। थैंक यू। मेरा सोनी से बहुत पुराना रिश्ता है, मैं झलक दिखला जा पे थी और वो रियलिटी शो था, मुझे बड़ा मजा आया था सोनी पे। लेकिन मैंने क्राइम पेट्रोल की टीम से पूछा था कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं क्राइम की बातें, हाँ मतलब आपको लगता है मैं इतनी ब्रेव हूँ, एक छिपकली का नाम लेने के बाद मैं इतना डरती हूँ मैं सोफे पे या टेबल पे चढ़ के खड़ी हूँ? नहीं 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 नहीं। रवि भैया इतना प्यारा बोलते हैं, इनकी हिंदी इंग्लिश इतनी परफेक्ट है और बड़े स्पिरिचुअल आदमी भी हैं, लेकिन आप इनके काम देखो, अभी एक इनकी एक और वेब सीरीज बड़ी कमाल की हिट जा रही, मत्स्य कांड, उसमें भी कांड, विसल ब्लोअर में भी कांड। रवि भैया ओटीटी पे आप एक्टिंग करने के इरादे से आए थे या कांड करने के इरादे से आप निकले हैं? या कपिल भाई, पहली बात तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, महादेव की कृपा है, नहीं तो पूरी जिंदगी मुझे एक ही बॉल मिलता था सिनेमा इंडस्ट्री में और बोलते थे सिक्सर मारो। ओटीटी के बाद अर्चना जी 5 गेंदे मिलने लगी, हम जैसे मनोज वाजपेयी हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, सारे मेरे मित्र जो मेरे साथ के बड़े पुराने मित्र हैं, अब सडनली इट्स अ ब्लेसिंग, यू नो ओटीटी एज रियली, समझ रहे आप मेरी बात, अब हम लोग जैसे जिंदा हो गए, नहीं तो हम लोग सब गुम हो चुके थे, अंधेरे में चले गए थे। मुझे किसी ने कहा जेट लैग की गोली आती है वो खा लेना, सोने से पहले तुम्हारा सर्कल ठीक हो जाएगा, और मैंने रात को खाई, उसका असर सुबह होना शुरू हुआ, और सुबह से मैं नींद में हूँ तो पता नहीं चल रहा। गरीब आदमी को पता नहीं होता जेट लैग होता क्या, हमको बताओ गरीब। अरे हम तो कह रहे हैं ऐसा गरीब सबको बनाओ। ये जो आपका तकिया कलाम कि ये इतना सारा आपने कर लिया, आप तो ऐसा बच्चन साहब को कह लेते हो कि इतना सारा कर लिया, आपको कभी लगा था आप कपिल के शो में आओगे? तो इस बार क्या है, हमारी बारी है, एक तो हमारा पहला वेब शो है, हमारा मौका लग गया है, और आज हमारी लॉटरी है, आज हमारा भूटान बम्पर ड्रॉ है ना, तो हम सबके लिए सेम इमोशन है, मतलब सर आप हमारे हीरो हैं। अरे लव यू सर। पर आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, आपने शादी कर ली, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। नहीं मैम, आई मीन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। मैं जब पहली बार रवि भैया से मिला, ये खुद इतने प्यारे हैं और ये इतना प्यार देते हैं सामने वाले को, फिर आपसे पहली मुलाकात जब भी किसी की होती है वो भूल नहीं पाता। मैं कुछ बोलूं रवि? हाँ हाँ हाँ। मैं कौन सी थी अब्बा, क्यों याद दिलानी है वो फिल्म, तुम क्यों याद कर रहे हो? नहीं मेरे को याद आ गया, शाम अच्छी फिल्म थी, वेल डन अब्बा। तो मैं सुबह कुछ 4-5 बजे जो भी पहली फ्लाइट होती है वो लेके पहुंच गई, और उसी दिन मेरी शूट थी, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल माई सेल्फ कि कोई बात नहीं, नींद कम हो गई है, कोई बात नहीं, श्याम बाबू के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जी। इतनी बढ़िया फिल्में दी हैं उन्होंने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, और हर एक एक्टर चाहता है कि उनके साथ मुझे काम करना मिले। तो मैं गई, तैयार हो गई, और उनकी बेटी कॉस्ट्यूम डायरेक्टर थी पिया, सब लोगों ने मुझे चेक किया, मैं सेट पे गई, सोचो मतलब मेरी क्या हालत हुई होगी कि ये श्याम बाबू है, मैं ऐसे खड़ी हूँ कि इनके मुंह से कुछ भी शब्द निकले मैं करने के लिए तैयार हूँ, कि आप बोलो मैं एक्टिंग करूँगी, और ये एक्टिंग मुझे करनी थी कि कूद पड़ो इनके ऊपर। अरे राम जी तो मरवा। बढ़िया, हम लोग एक कमाल था वो फिल्म, मतलब आई एम स्पीचलेस, बट बहुत मजा है। रवि बिल्कुल लाल हो गया, हाय हिनो हो गया। सोनाली मुझे ऐसे फंसाएगी मुझे मालूम नहीं था। ओह गॉड, कैरेक्टर ही कमाल था, हम दोनों का कमाल का इक्वेशन, बहुत मजेदार फिल्म थी, और मेरी कोशिश यही थी कि सोनाली शुड बी हैप्पी, एंड यू नो कहीं ये ना हो कि हम एक बहुत इमेज को संभालते हुए कि बुरा पूरा, बट
देन शी और आपकी मुलाकात भी पहली थी उस समय से. हाँ हाँ हम लोग की पहली मुलाकात थी. एंड आई मैंने तुम्हें बहुत कंफर्टेबल रखा. बिल्कुल रखा था, बहुत ख्याल रखा था. अमेजिंग ना, एक्टरों को पहली बार मिल रहे हैं और फिर ये बयां करना है कि वी लव ईच अदर मैडली, तो उसमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, इमोशनल प्रॉक्सिमिटी होती है, और आपको ये मतलब यू हैव टू कन्विंस द ऑडियंस. ऑफ कोर्स यस. एक्चुअली फिल्म देख के तो लोग एंटरटेन होते हैं, जो पीछे के किस्से होते हैं इतने मजेदार होते हैं. हाँ हाँ. आप सब लोग जानते हैं सिंघम नाम की फिल्म थी जी. उसमें तो मैं मतलब क्यों फ्राई हो गई थी मुझे बताना पड़ेगा जी. मतलब रोहित शेट्टी की मैं वैसे भी फैन हूँ, और उन्होंने फिर मुझे फिल्म दी और किरदार बताया. बहुत अच्छा लगा. शूटिंग शुरू हो गई एंड अच्छे से चल रही, तो शूटिंग के लास्ट दिन पे बहुत ही डिसिप्लिन्ड यूनिट रहता है उनका जी. मतलब वो जो कहते हैं ना, फिल्म बाय रोहित शेट्टी एंड टीम, रोहित फिल्म आर लाइक दैट. तो अच्छे से शूटिंग कम्प्लीट हो गई हंसी मजाक में. लास्ट डे मैंने मेरी जो चीफ एडी थी विधि, उसको बोला गुड न्यूज़ विधि. उसने कहा क्या? मैंने कहा हमारी शूटिंग खत्म हो रही है और गुड न्यूज़ ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. एंड शी वाज लाइक वी सोनाली कंग्रेचुलेशंस, ये हग्स किसे सब हो गया एंड दैट चैप्टर इज ओवर फॉर मी. देवर स्टिल कंटिन्यूइंग, शूटिंग उनकी चल रही थी. कट टू कुछ 4 महीने बाद मुझे फ़ोन आया टीम से कि सोनाली एक सीन हमें करना होगा बिकॉज नहीं तो. तो मैंने कहा हाउ इज़ दैट पॉसिबल, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने बताया था. देन शी सेड व्हाई हाउ व्हाट. मैंने कहा मतलब तो मैंने कहा वो तो मैं मतलब उसके जवाब में नहीं दे सकती, लेकिन फैक्ट इज फैक्ट, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं प्रेग्नेंट दिख रही हूँ. आई वॉज आई थिंक 6.5 months प्रेग्नेंट. बड़ी चर्चा शुरू हो गई पूरे यूनिट में और उन्होंने कोई सोल्यूशन निकाला. मुझे फ़ोन किया कि डोंट वरी, विल मेक यू वेयर अ डार्कर साड़ी, हम ब्लेंड कर लेंगे और वी विल ट्राई टू हैव क्लोज अप्स एंड मिड क्लोज. लेकिन मैं सेट पे चली गई. आपको पता है सिंघम में मेरा किरदार क्या था? पहले सीन में मेरा हस्बैंड खुद को मार लेता है, खुदकुशी कर लेता है, और उसके लिए अजय पूरी फिल्म में लड़ता रहता है कि उस बंदे ने खुदकुशी की क्योंकि सिस्टम ने इतना प्रेशर डाला. मैं सेट पे जा रही हूँ, मेरी टीम मेरे साथ है, और अजय और रोहित ऐसे खड़े हो गए. बोले सोनाली क्या फिल्म दिखाएंगे हम लोग? पूरी फिल्म में अजय ने एक विधवा के लिए उसके अन्याय को मिटाने के लिए इतना संघर्ष किया और लास्ट सीन में वो विधवा प्रेग्नेंट है. ये किस्सा सुनाया सिंघम का, तो राजा हिंदुस्तानी में आई वॉज ऑल्सो प्रेग्नेंट एंड धर्मेश ने बोला नहीं आई विल वेट फॉर यू इन ऑल दैट. तो मैंने अब पिक्चर कितनी आप डिले करोगे? तो एक सीन था आफ्टर आई टोल्ड हिम कि आई एम प्रेग्नेंट एंड ही सेड मिनी स्कर्ट लेकर और मैं रैकेट ऐसे से घुमा रही हूँ और गाना क्या गा रही हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ. तो यू आर सेइंग ना एक्टर्स को क्या क्या करना पड़ता है. वाकई बात नहीं है. मुझे एक अपनी फिल्म का किस्सा याद आ गया. हम दिसंबर में शूट कर रहे थे चंडीगढ़ में, फॉग वॉग पड़ती है. अब उसका कुछ पैच बचा और हम लोग टीवी शो भी शूट कर रहे हैं साथ में. वो हमने किया अभी अप्रैल में बीकानेर में. अब टेम्परेचर अबव 45, तो मैं भाग के शॉट दिया करूं और पसीना आ जाए मैं, क्योंकि वहां वैनिटी वैनिटी भी नहीं जा सकती थी कुछ ऐसा, तो इनोवा गाड़ी जा सकती थी, उसमें बैठ के एसी ऑन कर लूं. तो मेरी वाइफ गिन्नी मेरे साथ थी उस समय, कहती इतनी गर्मी में काम कर रहे हो, कितना मुश्किल होता है ये सब करना. तो मैं कहा ये तो चलो मैं भाग के आ जाता हूँ शॉट देके. मैं कहा वो दूसरे आर्टिस्ट और जो बैठे हैं सपोर्टिंग आर्टिस्ट, गर्मी इतनी, ऊपर से कंटिन्यूटी है सर्दियों वाली, तो आग भी जलाई हुई है, ऊपर से कंबल लिया हुआ है. एक्चुअली एज एन एक्टर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करने का मौका मिलता है. मुझे आपकी एक और फिल्म याद है, प्यार तूने क्या किया, जब आप बड़ी प्यारी लग रही थी उसमें, और उसमें क्या फरदीन खान के ऊपर लड़की को क्रश हो जाता है, पर ये इतनी अच्छी बीवी होती हैं, समझती हैं कि नहीं वो लड़की जो है वो गलत है और मेरा पति सही है. वैसे नॉर्मली पत्नियां होती नहीं है, बड़ा शक करती हैं. एक बात बताइए सचिन सर, जैसे कभी आपके शो में कोई खेलने आया, हाँ. आपको शक्ल देख के लग रहा है ये 25,000 से ज्यादा नहीं जीतेगा, हाँ. है ना? हाँ. तो कभी ऐसा हुआ है जैसे आमतौर पर आप बैठे हैं किसी दुकान पे, आपका सामान खत्म हो जाता है तो बगल वाली दुकान से मंगवा लेते हैं आप, कभी ऐसा हुआ है एक बंदा 25,000 आपने एस्टिमेट लगाया हो और वो 3,00,000 जीत गया हो, और फिर आपने बच्चन साहब को फोन लगाया हो, बड़े भैया
मैं घर से 25,000 ही लाया था, ये तो 3,00,000 जीत गया। तो आप पैसे मंगवाते हैं ऐसे? ये अर्चना जी का सवाल था, मेरा नहीं। मैं ऐसे प्रोडक्शन हाउस है ना, मान लो वो लोग पैसे भी बचाते हैं कभी कभी, चलो आज एक काम करते हैं, आज बच्चन साहब के साथ शूट करते हैं, तो उनके कपड़े कल को मरोड़ के आपको भेज देंगे, क्योंकि उनके तो मरोड़ के छोटे कर सकते हैं, आपके तो खोल के बड़े होंगे नहीं। तो ऐसे सवाल ये मत पूछा करो अर्चना जी। We have some ladies पिस्ता, you want to? मैं सिर्फ लड़कियों को ड्राई फ्रूट पूछता हूँ। आपको तो पूछ नहीं सकता, आपके ने मुंह पे ताला लगाया हुआ है। कभी ऐसा हुआ कभी आप एग्जाम में चीटिंग के लिए पर्ची लेके गए हो पर बाद में डर के मारे निकाल ही ना पाए हो, कि होए होए सब देख रहे हैं कैसे निकाले, और अंदर ही पड़ी हो जुराब में? आप तो इंटेलिजेंट थी। नहीं नहीं, मैं नहीं थी इंटेलिजेंट, लेकिन डायलॉग्स के लिए कभी कभी लगता है, इतने लंबे चौड़े लाइंस होते हैं तो लगता है कि कोई प्रॉम्प्ट क्यों नहीं कर सकता, हम लेके जा क्यों नहीं सकते, कहीं पे लिख के रख देते हैं, तो वो होता नहीं, क्योंकि अच्छे को एक्टर्स मिलते हैं तो उनके साथ यादें याद हो जाती है लाइनें। क्या बात। अच्छा, मैंने जितने भी स्कूल कॉलेज वाले सवाल पूछे आप दोनों ने जवाब नहीं दिया, आप पढ़े लिखे नहीं हो। सर मेरे साथ ये होता था कि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे ABCD, हाँ, तो जिसका भी मुझे जवाब नहीं आता था ना, मैं सी लिख के आ जाता था। क्यों? और जब आंसर शीट आती थी तो मैं सी का ए बना देता था, अच्छा, उसका बी बना देता था, उसका डी बना देता था, अच्छा, और फिर टीचर के पास जाता था, देखो मैम क्या है। शुरू से चीटर प्रवृत्ति के रहे आप।